मीटर का पाला भी निकालने का काम करेंगे। तो चलिए आप लोग देखिए कि मैं इसको मीटर की तरफ लगाता हूँ। तो चलिए आप Chasing stars and holding you हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबको फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों मैं आया हूँ काफ़ी दिनों बाद अपने काम के साथ से। तो चलिए मैं आज यहाँ पे कौन सा काम करने वाला हूँ, तो चलिए मैं आपको देखने का करके देखिए। दोस्तों हम आज यहाँ पे आए हैं काम करने के लिए। तो हमने देख सकते यहाँ पे देखते हमारे काम करने वाला हथियार जो है सामान, तो हमने सारे लेके रखा हुआ है। तो आज हम जो है दोस्तों यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे देखिए सारे लगते हैं पेन से रन्ना मार के रेडी करके रखा हुआ है। तो ये हमारा विंडो का पल्ला और साथ इसके वेंटिलेटर के पल्ला जो कि वो बनने वाला है। तो हमने इसको रंडोग्राम मार के साइज करके फाइनल रेडी करके रखा हुआ है। और दोस्तों अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा कि मैंने इसको रन्ना मार के किस तरह साइज करके रखा है, तो मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग जाके चेकआउट जरूर करिएगा। तो आज हम जो कि इसको इस सारे लकड़ियों को निशान जो है वो लगाने का काम करके निशान वगैरह लगाएंगे, फिर उसका बच्चे के रोटर मशीन इसको होल भी करने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी के सबसे पहले हम इसको निशान वगैरह लगाने का काम जो वो करते हैं। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो कि पहले इन यहाँ पे चार विंडो पल्ला का फ्रेम के लिए निशान लगा के रखा हुआ है, और इसके चौड़े वाले साइड के लिए यहाँ पे और लंबाई वाला यहाँ पे हमने रखा हुआ है। तो हमारा जो है कि सारे विंडो पल्ला का साइज़ अलग अलग है, तो हमारा चार एक चौकट में चार विंडो पल्ला है, तो चार एक ही साइज़ का है। और यहाँ पे हम वेंटिलेटर का पल्ला बनाएंगे, तो वेंटिलेटर का पल्ला भी दोस्तों एक ही साइज़ का होने वाला है, चौड़ाई जो है कि और ऊँचाई इसका 16 इंच है, यानी कि हमारा वेंटिलेटर का पल्ला जो है कि स्क्वायर में है 1650 x 1650, चार पल्ला स्क्वायर साइज में है। तो इसी तरह से हम बनाएंगे। तो हम पहले चार पल्ला विंडो पल्ला को तैयार करेंगे, फिर उसके बाद वेंटिलेटर का पल्ला को तैयार करेंगे। तो हम चलिए हमारा विंडो का पल्ला तो निशान लगा के रेडी करके पहले से रखा हुआ है, तो अभी हम जो कि वेंटिलेटर का पल्ला पे निशान लगाने का काम करेंगे। तो चलिए आप लोग भी देखिए कि मैं इसको निशान किस तरह से लगाता हूँ। तो चलिए आप लोग बने रहे वीडियो पे। जैसे आप देख सकते हैं हमने फाइनली एक वेंटिलेटर का पल्ला पे जो निशान लगा के फाइनली रेडी कर लिया, देख सकते हैं उसी तरह से। तो दोस्तों हमारा जो कि इस कोने से लेके इस कोने तक 16.5 इंच का है, तो चारों एक ही चार कोने एक ही साइज का है। तो चलिए इसी तरह से इन सारे फ्रेम को निशान लगा करते हैं कम्प्लीट।
दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं, हमने फाइनली वेंटर का पल्ला पे जो कि निशान लगा के रेडी कर लिया है। तो हमने ये इसका होल करने का वाला साइड का रेडी कर लिया है निशान लगा के। तो अब इसके आल जो कटिंग करने वाला है उसके लिए हमने यहाँ पे जो रखा हुआ है, तो चलिए इसके आल कटिंग करने वाला साइज वाला के भी निशान लगा लेते हैं। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं, हमने ये आल कटिंग करने वाला साइज पे भी निशान लगा के रेडी हमने कर लिया है। तो जैसे आप देख सकते हैं इस साइड पे और इस साइड पे, तो हम आल कटिंग करके फेंकेंगे और ये बीच में होल करने वाला है क्योंकि यहाँ पे एक बिट लगने वाला है। तो चलिए इसका भी जो हमारे यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी सारे पीस है वो सारे निशान लगा के कम्प्लीट कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो कि चार पल्ला के लिए हमने यहाँ पे तैयार करके रखा हुआ, क्योंकि हमारे दोस्तों जितने भी सारे विंडो का पल्ला और वेंटिलेटर का पल्ला है वो साइज सारे अलग अलग है। तो उसी हिसाब से हम चार पल्ला करके निशान जो है कि लगा कर तैयार करेंगे। तो चलिए अभी इसको हम पूरा निशान लगा के कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद जो कि होल करने का काम जो वो शुरू करते हैं। तो आप लोग बने रहे दोस्तों वीडियो पे। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं, हमने जो कि निशान लगा फाइनली रेडी कर लिया हमारा दोनों मेटल का पल्ला के लिए। तो आल कटिंग करने वाला और होल करने वाला फ्रेम के लिए हमने दोनों निशान लगा फाइनली कंप्लीट कर लिया है। और हमने साथ ही विंडो का पल्ला तो पहले निशान लगा के रखा हुआ है। तो इसका निशान मैंने किस तरह से लगा, अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके चेकआउट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों अब इसके जो कि हमने ये निशान तो लगा के हमने रेडी कर लिया है, लेकिन अभी इस पर कितना में हमारा होल करना है वो वाला निशान यहाँ पे बीच पे लगाएंगे। और उसके बाद में जो कि पहले तो हम इसके दोस्तों आल कटिंग कर लेंगे, आल कटिंग करके कंप्लीट करेंगे, फिर इसको जो कि होल करने का काम करेंगे। तो चलिए आप लोग बने रहिए दोस्तों वीडियो पे। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने जो कि यहाँ पे निशान देख सकते हैं कुछ इस तरह से लगा दिया हमने होल करने के लिए। तो इसी तरह से दोस्तों चलिए इन सारे पीस को निशान लगा करते हैं कंप्लीट, फिर उस निशान लगा कर कम्प्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद आल भी कटेंगे और साथ ही इसके होल भी करेंगे। तो चलिए आप लोग बने रहे दोस्तों वीडियो पे। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं, हमने सारे लकड़ियों पर जो कि निशान हमने लगा लिया, खींच का निशान जो हमने सारे लगा कर रेडी कर लिया है। और हमने होल करने वाला भी वो निशान लगा के जो कि रेडी करके रख लिया, देख सकते हैं कुछ इस तरीका से। तो चलिए अभी हमने कटर मशीन को भी तैयार करके रख लिया है निशान के जगह पे कटिंग करने के लिए, हमने इसको साइज में एडजस्ट करके रख लिया हूँ। तो चलिए कटिंग करते हैं फटाफट से।
दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं हमने फाइनली दो पीस जो है कि आल कटिंग करके हमने रेडी कर लिया। देख सकते हैं कुछ इस तरह हमने कटिंग करके जो है रेडी किया। दोस्तों इस तरह से कटिंग करने से क्या होता है कि हमें आल कटिंग करने में आसान होता है, वरना दोस्तों इस तरह से अगर आप कटिंग नहीं करके डायरेक्ट सिर्फ एक ही जगह कटिंग करके अगर इसको आल कटिंग करते हैं ना तो फट जाने का चांस रहता है। तो इस तरह से कटिंग करने से फटने का चांस भी नहीं रहता और बहुत ही अच्छी तरह से जो कि आल कटिंग करके हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो चलिए इसी तरह से बाकी सारे और यहाँ पर बहुत सारे पीस है, तो इसी सारे पीस को इसी तरह से कटिंग करके तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके आल कटिंग करने का काम करेंगे। आल कटिंग करके कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद जो इसके होल करने का काम है वो होल करने वाला भी जो हम सारे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आप लोग बने रहे वीडियो पे। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो हमने सारे आल कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से कटर मशीन से कटिंग करके रेडी कर लिया है। तो चलिए अब इसके आल जो कटिंग करके फेंकते हैं, तो आप लोग देखिए दोस्तों इसको इस तरह से कटिंग करके फेंकने में कितना आसान होता है, तो आप लोग भी देखिएगा जरूर। तो चले बिना देने के फटाफट से इसको कटिंग करने का हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जो है कि कितने आसान से इसका आल कटिंग करके रेडी कर लिया। देख सकते हैं हमने जो है कि दोनों पीस को फाइनली कटिंग करके रेडी कर लिया। देख सकते हैं कितने आसान से हमने कटिंग कर लिया, बिल्कुल भी फटा नहीं है दोस्तों। देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से हो चुका है, देख सकते हैं बराबर में। तो अब चलिए यहाँ पर बहुत सारे पीस अभी हमारा रेडी है, तो चलिए सारे आल कटिंग करके पूरी तरह से कम्प्लीट कर लेते हैं। तो आप लोग बने रहे दोस्तों वीडियो पर। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने जो है कि आल कटिंग करके फाइनली पूरी तरह से हमने कम्प्लीट करके जो कि इस जगह पर लेके रख दिया हूँ। तो अभी दोस्तों इसके बीच वाला जगह पे होल करने का काम रह गया है। साइड का टॉल कटिंग करके हो चुका है कंप्लीट, लेकिन बीच का होल करने का काम जो वो रह गया है। और इस तरह भी बाकी दोस्तों हमारा होल करने के लिए रेडी करके रखा हुआ है। तो दोस्तों हमने सोचा आज इसको होल करके कंप्लीट करेंगे, और साथ ही हमने इसके रोटर के देख सकते बीच भी हमने ये लगा कर रेडी कर लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया दोस्तों। तो वो प्रॉब्लम क्या है कि दोस्तों हमारा रोटर का जो हमने बीच लगा लिया, लेकिन इसका साइड का जो क्लेम होता है तो वो आज लाना भूल गया हूँ। तो मैं दोस्तों किसी और दिन में आप लोगों को दिखाऊंगा इसका होल किस तरह से किया जाता है, और होल करके इसको फिटिंग भी किस तरह से करते हैं, जो कि असेंबल किस तरह से करते हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन दोस्तों अभी हमारा होल करने काम नहीं हुआ, तो फिर भी दोस्तों हमारा और बहुत सारा इस पर काम है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये जो होल करने रेडी करके रखा हुआ है, तो इस जगह पर एक बीट लगाना होता है, तो उस बीट को हम तैयार करने वाला हूँ। तो और साथ यहाँ पर भी देख सकते हैं निशान लगाया हुआ है, चौड़े और लंबे वाले बिट हमें रेडी करना है। तो चलिए उसी बिट को रेडी करने के लिए तैयार करते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है कि एक पीस हमने ये ले दिया है 4x1.5 इंच का फट्टा, तो इसको हम जो है कि रंडा मार के इसके बीच से दो भाग करके निकालेंगे बिट। तो चलिए इसको रंडा मार कर पहले तैयार कर देते हैं।
देख सकते हैं फाइनली हमने इसको जो कि रंडा मार के साइज करके रेडी कर लिया है। तो अब चलिए इसको साइज में जो कि इसको चीर लेते हैं। तो हमने चीरने के लिए कटर मशीन रखा हुआ है, तो चलिए इसके साइज के पहले निशान लगा लेते हैं, उसके बाद चीरने का काम शुरू करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों मैंने फाइनली जो कि दो पीस रेडी कर लिया है। तो हमें दोस्तों इस तरह का बीट जो है कि हमें 14 पीस का ज़रूरत है, क्योंकि हमारा 14 विंडो पल्ला बना रहे हैं। तो उसके लिए हमें इस तरीके का लंबा 14 पीस का ज़रूरत है, और अभी छोटा तो बहुत सारा लगेगा। तो चलिए पहले इस तरह का लंबा वाला पीस को पहले तैयार करके कम्प्लीट कर लेते हैं। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं हमने जो कि फाइनली बीट को हमने तैयार करके रेडी कर लिया है। तो दोस्तों हमें बीट इस तरह का बीट का ज़रूरत, हमें जो कि 14 पीस का ज़रूरत था, लेकिन हमने जो कि यहाँ पे 11 पीस तैयार कर लिया है। तो अभी और हमें 3 पीस का ज़रूरत है। तो हमने जो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला 4 पीस हमने सबसे पहले ही तैयार करके रख लिया था, अभी बाद में हमने ये सारे पीस को जो है कि तैयार करके रखा हुआ है। तो अभी दोस्तों सामने सिर्फ इसका लंबे वाला तैयार किया हुआ, अभी इसका और चौड़ाई वाला साइज का जो वो तैयार करने का काम जो वो रह गया। तो अभी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा समय हो गया, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में ही आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि इसके बाकी सारे पार्ट्स को किस तरह से तैयार करके हम इसको बनाने वाला हूँ। तो साथ हम इसके विंडो पल्ला का फ्रेम के लिए होल भी करेंगे, और मेटल का पल्ला भी होल करेंगे, और साथ ही साथ इसको किस तरह से असेंबल किया जाता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप लोगों को मिलते रहे। तो दोस्तों मिलेंगे फिर से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।